नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय नहीं तृतीय सभी के पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में से प्लेटो के बारे में जो उसका न्याय सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लेटो पाश्चात्य जो राजनीतिक दर्शन है उसके सर्वप्रथम विचारकों में आते हैं। प्लेटो सुकरात का शिष्य था जिसने सबसे पहले सत्य की खोज के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली बाद संवाद की प्रणाली है उसको यूनान में बढ़ावा दिया। उसके बाद में राजद्रोह के अपराध में मार दिया गया। तो सबसे पहले प्लेटो वास्तव में एथेंस का एक कुलीन परिवार का निवासी है। एथेंस वर्तमान यूनान को कहते हैं। उसका जन्म 428 ईस्वी पूर्व हुआ था और उसका वास्तविक नाम है वो अरिस्टोक्लीज था। अच्छे गिल डोल के कारण मतलब चौड़े कंधों के कारण उसको प्लेटो नाम दिया गया। 399 ईस्वी पूर्व उसके गुरु सुकरात को मृत्यु दंड जो दिया गया उससे उसके जीवन में नया मोड़ आ गया। इस समय उसने विश्व का भ्रमण किया और इस भ्रमण के दौरान वह भारत भी आया और सिसिली के सिरुकाज राज्य में डियोनिसियस से उसकी भेंट हुई और 388 ईस्वी पूर्व प्लेटो ने एथेंस लौटकर अपनी जो अकादमी है जो विशाल शिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना की। और प्लेटो ने सिसिली का जो राजा डियोनिसियस प्रथम है उसको प्रथम दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास भी किया लेकिन वह विफल रहा और वह अपने जो इस प्रयास में असफलता का उन्हें आभास हो गया और इसीलिए वह डियोनिसियस है उस राज्य से भाग कर वापस एथेंस आ गया जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास में दूसरी ट्रेजडी से वो बच गए। दूसरी ट्रेजडी जो है वो उनके साथ नहीं हो पाई। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व है उसकी आयु में अपने पीछे सैकड़ों शिष्य अरस्तु जिनमें प्रमुख था उनको छोड़कर उस इस दुनिया से मृत्यु की गोद में सो गए। प्लेटो की जो पुस्तकें हैं उनमें सबसे प्रमुख पुस्तक जो फेमस है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक के बाद में अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, स्टेटमेंट्स, लॉज, सोफिस्ट और क्रिशस, फिल्वस आदि आदि है। यानी उन्होंने बहुत सारी जो किताबें हैं उनकी रचना की जिनमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन्स और लाज प्रमुखता से राजनीतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से पढ़ी जाती है। सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक है रिपब्लिक में उनका जो मुख्य उद्देश्य है उसका जो आदर्श है वो है न्यायमुक्त आदर्श राज्य की स्थापना। इसी कारण प्लेटो ने इस पुस्तक का जो दूसरा उपशीर्षक या दूसरा शीर्षक रखा हुआ है न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस यानी रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस उपनाम से जाना जाता है। प्लेटो सर्वप्रथम जो तात्कालिक न्याय के जो सिद्धांत थे प्राचीन जैसे परंपरागत न्याय का सिद्धांत जिसे सिफालस पालीमार्क्स समर्थन करता है, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत जो थ्रीमैक्स का है, कार्य कारण जो ग्लांगन का है उनका खंडन करते हुए कहता है ये तीनों सिद्धांत है वो न्याय को बाहर वस्तु मानते हैं जबकि न्याय बाहर वस्तु नहीं है अब तो मानव आत्मा से संबंधित आंतरिक तत्व है। प्लेटो के अनुसार मानव का जो न्याय है वो आत्मा से संबंधित है।
मानव आत्मा के तीन तत्व बुद्धि, स्वर और तृष्णा उसमें प्रमुख है। जब उनका उचित अनुपात में सम्मिलन हो जाए तो व्यक्ति ने की स्थापना होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण बलूत या चट्टानों के ऊपर नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। मानव आत्मा के तीनों तत्वों से ही राज्य के तीनों वर्गों का निर्माण होता है। वो तीन वर्गों का निर्माण जो आत्मा के तीन तत्व है उनके आधार पर राज्य में तीन वर्गों का विवरण देता है। जिन व्यक्तियों में बुद्धि तत्व होता है वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन वर्गों में या जिन व्यक्तियों में सौर तत्व की अधिकता रहती है उनमें सैनिक वर्ग का निर्माण होता है करते हैं, और जिनमें तृष्णा अधिक रहती है वह उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो का कहना है जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। इस प्रकार न्याय कर्तव्य परायण से कोई अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार है उनकी चर्चा की है, वो है व्यक्तिक न्याय या व्यक्ति से संबंधित न्याय, और दूसरा है राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता से संबंधित मानता है। न्याय को नैतिक कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है जैसा कि वर्तमान में न्याय का स्वरूप है। इसीलिए न्याय का आधार वह है कर्तव्य पालन मानता है। इसीलिए प्लेटो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है, क्योंकि न्याय व्यक्तिक है और मानव आत्मा के तीनों तत्वों से निर्मित राज्य के तीन वर्ग उनकी एकता और समन्वय पर वह बल देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह दार्शनिक आधार पर टिका हुआ है, व्यक्ति की आत्मा या अमूर्त तत्व पर टिका हुआ है। वर्तमान जो न्याय है वो यथार्थ या वास्तविकता से पर टिका हुआ है और उसका कानूनी महत्व है, कानूनी उसका आधार है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता है वह है श्रम विभाजन, हस्तक्षेप और कार्य विशिष्टीकरण। ये तीन विशेषताएं प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्रमुख रूप से मिलती हैं, जिसमें प्लेटो कहता है कि प्रत्येक नागरिक केवल उस कार्य को ही करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधान या प्रमुख प्रवृत्ति है। उसका मत है कि नागरिकों को उनकी आत्मा के प्रधान तत्व या प्रवृत्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए, और इसी आधार पर वह नागरिकों के तीन वर्ग बतलाता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में उसने विभाजित किया है और ऐसा राज्य को करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने वर्ग से ही संबंधित काम करना चाहिए, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी जो न्याय सिद्धांत है वो अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन यह वर्तमान अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थक नहीं है, जिसमें राज्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, बल्कि यह व्यक्ति द्वारा अपनी प्रवृत्ति से भिन्न प्रवृत्ति के व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, वह केवल अपना ही काम करे, यही हस्तक्षेप। कार्य विशिष्टीकरण की बात है, साथ ही प्लेटो कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपना ही काम करना चाहिए और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति में विशेष गुण के अनुरूप ही उस काम में विशिष्टता प्राप्त होती है, जिससे कि राज्य है वो विशिष्टवादी बनता है। तकनीकी रूप से विशिष्टीकरण उसमें होता है और राज्य की प्रगति और स्थिरता का वह आधार। प्लेटो का जो नया सिद्धांत है वह व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है, अतः उसका जो नया सिद्धांत है वह समष्टिवादी कलेक्टिव है।
प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु वर्ग का महत्व है। व्यक्ति वर्ग के वर्ग में सम्मिलित उसने विभाजन है, उसका वर्गीकरण है, उसमें कर दिया है और वह उसी के आधार पर न्याय सिद्धांत की राज्य में रचना करता है। प्लेटो राज्य को सावयव यानी शरीर समतुल मानता है और उसका न्याय सिद्धांत राज्य में सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। उसका कहना है कि व्यक्ति के जो अनेक अन्य अंग हैं उनमें शरीर प्रमुख है, अन्य अंग वैसे ही काम करेंगे जैसे कि शरीर चाहेगा, जैसे कि मस्तिष्क उसको कंट्रोल करेगा, उनका पृथक पृथक कोई महत्व नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का एक प्रमुख आधार दार्शनिक शासक है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण ज्ञान से संपन्न दार्शनिक शासक ही राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो के शब्दों में विधि या अध्यादेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। प्लेटो का जो दार्शनिक शासक कानून के नियंत्रण से मुक्त है, उसका प्रमुख कर्तव्य है कि सार्वजनिक हित में सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर नियंत्रण करना और तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित कर राज्य को सावयवी स्वरूप प्रदान करना। प्लेटो आदर्श राज्य के जो निर्माण है या स्थापना है उसके लिए दो आधार तत्वों पर महत्व देता है, वह शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक जिसको वह अभिभावक वर्ग भी में सम्मिलित करता है, अभिभावक में वह दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को सम्मिलित करता है, उसके अनुसार उसमें सद्गुणों का जो विकास है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा पद्धति की वह उसके लिए व्यवस्था करता है। प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। उसके अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट भी हो सकते हैं, अतः अभिभावक को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषय साम्यवाद की स्थापना या व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्लेटो आधुनिक न्याय के विपरीत मानव जो न्याय है उसको नैतिक व मानव आत्मा के अनुरूप चित्रित करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वह वर्तमान काल में न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, अतः वह व्यवहारिक नहीं है। ये ठीक भी है कि वर्तमान में न्याय का स्वरूप कानूनी है कि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसे दंड दिया जाएगा और अन्यथा वह प्रत्येक काम करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि प्लेटो अपनी आत्मा के प्रधान गुण के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करता है, उससे बाहर जाने पर वह दंड का प्रावधान करने की व्यवस्था एक प्रकार से करता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है जबकि व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है, जबकि आधुनिक न्याय सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों पर पूर्णता से बल देता है, कर्तव्यों को उसके पूरक के रूप में लेता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है कि एक व्यक्ति जो कार्य करता है वही करे, उसमें ही विशिष्टता प्राप्त करे। बहुआयामी व्यक्तित्व की जो संकल्पना है मल्टी डायमेंशन में, उसकी इसमें कोई जगह नहीं। इसी प्रकार उसका जो न्याय सिद्धांत और प्रजातंत्र का विरोधी है वे अभिजातंत्र या जैसे अभिजन वर्ग का या कुलीन वर्ग का जो सिद्धांत है उसका समर्थक माना जाता है कि वे दार्शनिक शासकों की उत्पत्ति शिक्षा व्यवस्था के द्वारा करता है, उनको संपत्ति और परिवार के संबंध से बांधता है, जो वर्तमान जो लोकतंत्र है उससे मेल नहीं खाता या उसकी भावना से मेल नहीं खाता। प्लेटो को न्याय सिद्धांत की स्थापना के लिए वह दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है और राज्य के सावयव स्वरूप को बनाने के लिए उसे असीमित शक्तियाँ देता है जो निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए कार्ल पॉपर ने उसे खुले समाज का प्रथम शत्रु कहा है। उक्त आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसका महत्व है।
कि राज्य में नैतिकता की जो स्थापना है वह प्लेटो का नया सिद्धांत करता है और आज के शासकों और नागरिकों को संदेश देता है कि नैतिकता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का वह पालन करें। दूसरा, उसकी आलोचना इस आधार पर भी मायने नहीं रखती कि प्लेटो ने अपने तात्कालिक जो यूनान में अराजकता, अव्यवस्था और लोकतंत्र में जो क्रूरता आ गई थी या लोकतंत्र में जो कमियां उजागर हो रही थी उन्हें दूर करने के लिए उसने ऐसी जो दार्शनिक पद्धति है, व्यवस्था है, वो की जो न्याय सिद्धांत से द्वारा ही संभव थी। धन्यवाद।